नमस्कार दोस्तों, मैं ध्रुव शर्मा हॉकफी न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो शायद अब हम एक आग की तरह हम सब लोगों के बीच फैल चुकी है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी का गठबंधन टूट चुका है, यानी बीजेपी और महबूबा मुफ्ती अब साथ में वहां पर सरकार नहीं बनाएंगे। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या आखिर आपको पता है कि बीजेपी और पीडीपी का गठबंधन किन वजह से टूटा है? तो मैं आपको बताता हूँ, भाजपा ने इसके लिए जो कुछ कारण बताए, कुछ अहम वजह गिनाई हैं, वो वजह आज हम आपको बताएंगे कि क्या पांच कारण भाजपा ने बताए हैं कि किन पांच कारणों की वजह से जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी का गठबंधन टूट गया है। सबसे पहला मैं आपको बताता हूँ कि आपको थोड़ा विस्तार में ले जाते हैं कि हाल ही में सीज फायर हुआ था, ईद के सेना ने कहा था कि हम ईद तक सीज फायर करते हैं। हम सीज फायर इसलिए करते हैं कि भाई ईद है, एक खास लोग हैं देश में जिनके लिए जो ईद मनाते हैं, और हालांकि वो हैं भारत के ही नागरिक, तो कश्मीर में ईद वो लोग आराम से मनाएं, शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं, इसलिए ईद के मौके पर सीज फायर करते हैं। लेकिन जैसे ही सीज फायर का ऐलान किया गया ईद के लिए, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों पर जो पत्थरबाजी की जो घटनाएं थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों पर लगातार हो रही पत्थरबाजी और रमज़ान के महीने में सीज फायर के ऐलान के बाद घाटी में आतंकी घटनाएं भी बढ़ी हैं। पाकिस्तानी गोलाबारी और अन्य मसलों पर बीजेपी पीडीपी गठबंधन पर बात ना बनने के कारण भी ये सरकार टूटी है। बीजेपी के महासचिव राम माधव ने घाटी के उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता के साथ मिलकर इस बात का ऐलान किया है। बीजेपी ने सत्तासीन सरकार से अलग होने के लिए पांच कारणों को जिम्मेदार ठहराया। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये पांच क्या कारण हैं। सबसे पहला रमज़ान में सीज फायर है, दूसरा है ऑपरेशन ऑल आउट पर राज्य सरकार का सहयोग न मिलना, तीसरा है घाटी में सेना के ऑपरेशन पर हुए मतभेद, चौथा है सुरक्षा बलों पर हो रही पत्थरबाजी पर सख्ती नहीं, और पाँचवा पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण, मतलब हर पहलू से हर एक पॉइंट अपने आप में ही महत्वपूर्ण है, लेकिन पांचवा पॉइंट, 2019 में लोकसभा चुनावों में पीडीपी गठबंधन से घाटी को नुकसान। अब हम थोड़ा विस्तार से इस बात को समझते हैं। बीजेपी के महासचिव राम माधव ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में जो कानून की व्यवस्था है वो बिगड़ती जा रही है, और इस वजह से उनको ये महत्वपूर्ण फैसला बीजेपी से पीडीपी से गठबंधन उन्होंने तोड़ने का लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि पीडीपी चाहती है कि सीज फायर को आगे बढ़ाया जाए, यानी आप समझ सकते हैं कि लगातार जब सीज फायर था पत्थरबाजी की घटनाएं बढ़ी, आतंकी घटनाएं बढ़ी, उसके बाद भी मतलब क्या वजह है कि पीडीपी ये महबूबा मुफ्ती चाहती है कि भाई आप सीज फायर को और आगे बढ़ाएं। अगर मेरी सबसे पहले आपसे विनती, अगर आप भी इस वीडियो से सहमत हैं, इस वीडियो को सबसे पहले अभी के अभी शेयर जरूर करें और ये सच्चाई देश के हर नागरिक तक पहुंचाएं। मैं आपको आगे मैं थोड़ा सा और विस्तार से समझाता हूं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि पीडीपी चाहती है कि सीज फायर को और आगे बढ़ाया जाए, और जो घाटी के हुर्रियत नेताओं से बातचीत की जाए ये भी पीडीपी चाहती है, लेकिन बीजेपी ने इसके लिए साफ मना कर दिया कि हम अब और हुर्रियत नेताओं के सामने नहीं झुकेंगे। राम माधव ने आगे कहा कि घाटी में पीडीपी के कामों पर सवाल नहीं है, लेकिन राज्य में सरकार विफल साबित हुई है। उन्होंने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख जैसे क्षेत्रों में विकास कार्यों में हमेशा पीडीपी के ही मंत्री अड़चन लगाते हैं। कई विभागों में काम के लिहाज से जम्मू और लद्दाख के साथ भेदभाव जनता साफ साफ महसूस करती है, जिसका सारा श्रेय पीडीपी को जाता है। तो मित्रों, मेरी आपसे विनती है, अगर आप भी भाजपा सरकार की के पीडीपी से गठबंधन तोड़े जाने को लेकर सहमत हैं, तो आप भी सबसे पहले इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हमने वो आपको पांच पॉइंट बता दिए हैं, ये पांच पॉइंट आप भारत के हर देशवासी तक पहुंचाएं कि क्या वजह रही जो भाजपा को कश्मीर, जो कि श्रीनगर, जो कि भारत का जन्नत कहा जाता है, वहां पीडीपी सरकार से अपना गठबंधन तोड़ना पड़ा। ये वजहें आप देश के हर नागरिक तक पहुंचाएं, मेरी आपसे यही विनती है। मैं आपसे अभी विदा चाहूंगा, हाँ, पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या आप पीडीपी भाजपा गठबंधन के टूटने को सही मानते हैं, हाँ या ना में जवाब जरूर दें। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।